स्टेट में पुलिस की सघन गश्ती जारी रखी जाए और इस व्यवस्था को और पक्का किया जाए कि गश्ती अच्छी तरह से हो, हर जगह पुलिस की मौजूदगी नजर आए। वरीय अधिकारी पेट्रोलिंग की स्थिति को फील्ड में खुद जाकर के देखें, डीआईजी हफ्ते में 3 दिन जाके देखें, एसपी हफ्ते में 4 दिन, डीएसपी हफ्ते में 5 दिन खुद से चेक करें कि गश्ती हो रही है कि नहीं हो रही है। थानों की व्यवस्था अच्छी रखने के लिए प्रत्येक थाने को नियमित ढंग से, नियमित रूप से कंटिजेंसी का पैसा दिया जाए ताकि थाने के कागज कलम और विविध खर्च पूरे हो सके। राज्य के थानों को 3 श्रेणी में बांट के बड़े और महत्वपूर्ण थाने को साल में 25,000 रुपये, मीडियम स्तर के थाने को, मध्यम स्तर के थानों को 15,000 और गांव के छोटे थानों को 10,000 रुपये दिए जाए और जैसे ही ये पैसा खर्च हो जाए तुरंत दूसरा पैसा रिवॉल्विंग फंड के रूप में उपलब्ध कराया जाए। जो राज्य के थाने अभी तक भूमिहीन है, जिनको जमीन नहीं दी गई है, जमीन नहीं उपलब्ध हुई है, ऐसे थानों की जमीन उपलब्ध करा के वहां पर थाने का भवन बनाया जाए। जो थानाध्यक्ष होते हैं उनका ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाए, उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाए। अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय को मजबूत बनाया जाए। जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में एक बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी को वहां पोस्ट किया जाए और साथ ही साथ जिन पुलिस अनुमंडलों में लंबित कांडों की संख्या अधिक है, सुपरविजन अधिक करना है, वहां एक अधिकारी अपर अनुमंडल पुलिस अधिकारी के रूप में रखा जाए ताकि त्वरित ढंग से कांडों की समीक्षा करके, सुपरविजन करके कांडों का निष्पादन हो सके। प्रत्येक थाने में एक थाना प्रबंधक की नियुक्ति की जाए जो कि तकनीकी योग्यताधारी, MBA योग्यताधारी अधिकारी होंगे जो थाने की व्यवस्था, रखरखाव, प्रशासन, गाड़ियों की व्यवस्था, टेलीफोन की, बैठकों की, आगंतुकों की, परिसर का मेंटेनेंस और सफाई, ये सारे काम देखेंगे ताकि पुलिस अधिकारियों को पुलिस का काम करने में आसानी हो और थाना के सामान्य व्यवस्था थाना प्रबंधक के हाथ में हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस मैनुअल नए सिरे से बनाया जाए, उसको नए सिरे से किया जाए।